गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर जर्मा 46। सो अभी के बज रहे हैं 10:20 हो रहा है, दिख रहा हो आप लोगों को 10:20 हो रहा है। विजय को उठा दिया, विजय काम पे जाएगा, मासी को बुला लिया है मैंने क्योंकि मुझे अकेला लेके जाने में डर लगता है ओरियो को, क्योंकि स्ट्रीट डॉग बहुत पीट लगते हैं ना, मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैंने मासी को बुलाया, मासी साथ में चलो बोला मैंने वैक्सीनेशन के लिए ओरियो का। 30,000 कोर्ट के नियर बाय मैंने अभी गूगल में भी चेक किया है, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे तक है। तो मैं अभी रेडी हो जाऊंगी, मैं तो पूरी रात नहीं सो रही हूँ क्योंकि ओरियो ने मुझे सोने नहीं दिया, बंदा बहुत दिमाग खाता है मेरा मुझे तो सो के उठाया। मैं भी, हम लोग सोए भी 2:30, 3 बजे सोए थे हम, कार्तिक आया था, कार्तिक 2:30 बजे चला गया था, तो अभी वो तो नींद आई नहीं। वो विंग्स और लोडो जो नहीं है वो टाइम पास खेलते बैठी थी उसके साथ, ओरियो के साथ में, ओरियो पूरी रात टट्टी करा उसने पूरी रात, दांत की वजह से होगा, ऐसा कुछ नहीं है टट्टी में, नॉर्मल टट्टी है उसका ना, अभी तो बच्चा है ना ऐसे ही करेगा ना। तो अभी मेन क्यों है, खास करके ये 2 महीने के बाद वैक्सीनेशन कराओ तो अच्छा है बोला था, बट ऐसा है ना कि बाहर लेके जाते हैं हम, हमें काम होता है बाहर जाना होता है और उसको घर पे अकेले नहीं रख सकते ना, तो हम लोग बाहर जाते हैं तो लोग देखते हैं तो प्यारा है, दे दो हाथ में दे दो बोलते हैं, तो मना नहीं कर सकते ना उनको, हम अच्छा नहीं लगता मना करने पे, एटीट्यूड दिखाना जैसा होता है। मे बी ये मना करने से कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने वाला समझेगा, नहीं समझने वाला तो गलत ही समझेगा। आजकल लोगों का पहले नेगेटिव थिंग होता है ना, तो इसलिए उसको कहीं बीमारी ना लग जाए वो डर था मेरे को, बट इट्स ओके नाउ। अब मैं लेके जा रही हूँ आज वहाँ पे, और वहाँ यहाँ पे बहुत महंगा बोल रहा है, 3500 कुछ बोल रहा था, वहाँ गवर्नमेंट का है उतना ज़्यादा नहीं लगेगा शायद, तो देखते हैं आज कैसा होगा क्या होगा। आप सब बने रहना, मासी आ रही है, मासी के साथ जाऊँगी। ओके, मेरी आँखें नींद हो रही है, मेरे को बहुत नींद आ रही है कसम से, बट मैं इसका काम करके आ जाऊँगी घर पे, तो मैं सो जाऊँगी आराम से। अब फटाफट उसको दूध गर्म करके दूध पिला दूँगी कि उसको रास्ते में दिक्कत ना हो, और डायपर भी ले जाऊँगी मैं उसके लिए ना, बेटर रहेगा कहीं रोड पे सुसु ना कर दे वो, तो बाहर से ही डायपर लेके जाऊंगी, मैंने डायपर लिया नहीं था अभी तक उसका, मैं डायपर लेके ही जाऊंगी। ओके गाइस, तो आप सब बने रहो और गुड मॉर्निंग, और आप सबका दिन आज शुभ जाए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और मैं आपको अच्छे 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 वीडियोज़ बनाते रहूँगी। ओके गाइस, स्टे ट्यून। Tako sumulera, sumu ze tanges, tako nisho stada. Nisomo nyam kane ama sumulera yogas. Mera maasi aaya na ghar pe to itna khush ho gaya, itna kooda, itna khela maasi ke saath mein. Ab banda so gaya hai, theek hai. Aur ye bahar wale room pe pankha nahi tha, to kal maine naya pankha liya hai, pankha bithwaya hai, dikhati hu. अबे ना पंखा लगा दिया है मैंने, क्योंकि इसको खास करके ज़रूरत है पंखा, एक अंदर वाला बहुत स्लो चल रहा था उसको भी ठीक करवाया। हमारा रात से जिधर सेरा स्विगी रह दिया, यानी अभी थोड़ी देर में फ्रेश होके हम हॉस्पिटल निकलेंगे, अभी थोड़ा सोने दो इसको, थक गया बहुत, थक गया बहुत। मेरा मासी आता तो बहुत खुश हो जाता है, वो अब पहचान रहा है ना लोगों को, अब बड़ा हो रहा है। मैं आके देखो पूरी रात सोया नहीं, मैं इसकी वजह से जगा हूँ पूरी रात, अब
सोऊंगा, हॉस्पिटल जाके आके सो जाऊंगा। और आप लोगों को बताते रहूंगा कैसा है हॉस्पिटल, कैसा प्राइस है, कैसा वहाँ पे काम होता है। अच्छा होगा तो आप लोग भी जा सकते हैं ना, जहाँ पे सस्ता हो, क्योंकि पंजाब बस्ती में तो भाई बहुत रेट बोलते हैं। चंद चंद के लोगों की बात है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ऐसे सब बोलते हैं ना बहुत लोग, तो मुझे डर लगता है, इसका रिस्क नहीं लेना है मेरे को ना। मैं भी पहले एंजल को तो मैंने वहीं लगवाया था जहाँ से बात करी मैंने, मगर एंजल थोड़ा हैवी रह गया तो मे भी कुछ हुआ नहीं उसको। बट ये बहुत नाजुक है ना, डर लगता है मेरे को ना, तो इसलिए वहीं चलते हैं। बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया मेरे को यहाँ पे पंजाब बस्ती में, वहाँ पे अच्छा है बोल के, देख के आते हैं, पता चलता है अच्छा है तो वहीं करा लूँगी मैं इसका वैक्सीनेशन। ओके अब सब बने रहो, मेरे को नींद आ रही है, आके सोऊंगी मैं अभी नहीं। नहीं नहीं यार, सामने राशन कार्ड का ही कर। खबर है बाद में ले लेना, पिलाने वाला है ना टीका, तो लग जाएगा ना उसको, ये तो कभी भी आके ले जाना, दवा लाने की जरूरत। खब जी गया था सो तो खादू यूं बोल लो गुदे डॉक्टर सर्जरी से दिशा फिर रिबोंग इंजुश तो फिर शिमिंग इंजुश तो फिर खी दी तदा ते था को दिन लू इन दा दी चिंग ये अभी ये एक लिया, अभी देखो इसको अंदर कैसे बिना है। ओरियो मम्मा ओरियो दादा मां देखी शिनसा उन्हें दे सो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं और ओरियो का वैक्सीनेशन भी हो गया, बहुत टाइम लग गया, वैक्सीनेशन तो जल्दी हो गया, डॉक्टर को वो स्टैम करने के लिए टाइम लग गया। और तुम्हें तो पता है ना, अब क्या ही बोलो आप लोगों को, एक्सपेंसिव तो है ही, कल ही बताया था मैंने बहुत एक्सपेंसिव है, डॉग्स का बहुत है। मेरा लेब्रा को तो मैंने यहीं पंजाब बस्ती से करवाई थी, तो 3000 लिया था 6 इंजेक्शन का, मगर अभी हम गए थे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं बताया था आपको, वहाँ पे दवाई बहुत ही महंगा है भाई, उन्होंने ये बुक बना के दिया है और अभी एक इंजेक्शन लग चुका है इसका। नेक्स्ट अगले महीना 7 तारीख को बुलाया हुआ है। और ओरियो के लिए थोड़ा शॉपिंग भी करी है हम लोगों ने और पूछताछ भी की है, क्योंकि ये शी टू मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। लेब्रा को हम कुछ भी दे सकते हैं खाने के लिए, मगर इसको मुश्किल है। हाँ तो सेरेलैक्स ये वाला देने के लिए यहाँ खेबर पास के पास में ना, तो वहाँ पे एक डॉग पेट शॉप है जहाँ हमारे बैलेंस भी बहुत जाते हैं अपने डॉग्स को लेके ना, तो मैं वहाँ पे गई थी, आते हुए वहीं से आई हूँ मैं, सामान लेना था मुझे ओरियो के लिए, तो ये सेरेलैक्स लिया है मैंने उसके लिए। मैं इसका रेट वगैरह आप लोगों को कुछ नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोग समझदार हो, क्योंकि बहुत ही महंगा पड़ता है। बड़ा वाला था, मैंने बड़ा नहीं लिया, अभी मैंने फ़िलहाल इसको छोटा वाला लिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने वहीं हॉस्पिटल से ये वाला जो पेट में कीड़ा होता है ना, 15-15 दिन गैप करके ये देने के लिए बोला है,
ये वाला डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, डॉक्टर ने दिया है। ओके और ये फ्रेशर है, अभी 3 महीने तक उसको नहलाने से मना किया हुआ है। ये फ्रेशर को उसके बॉडी पे लगाओ और ड्रायर टॉवल से पोंछ के ड्रायर से ये कर लो बुलाना। ठीक है, ये वाला फ्रेशर लिया यहाँ से। ओके सो नेक्स्ट, अभी उसके दांत के लिए, वो खेलता तो है नहीं वैसे, फिर भी उसके दांत के लिए ये लिया मैंने। ये दांत का बहुत ही ज़रूरत है उसको, ये लिया। और नेक्स्ट इसके लिए भैया ने वहाँ पे डॉग्स के जो भैया होते हैं ना उधर पे, उन्होंने ये सजेस्ट किया। फिर यहाँ की दीजिए मुझे ये सजेस्ट किया 2 टाइम देने के लिए, सर लेग्स 3 टाइम दो और 2 टाइम ये दो। 3 महीने 3-4 महीने तक ये सब देते रहो और उसके बाद आप अपने जैसे घर पे कुछ भी अंडा चिकन चावल जैसे करते हो वो खिला सकते हो, बोला मैं। ठीक है, तो ये लिया, बहुत एक्सपेंसिव है ये सब, बहुत ही ज़्यादा। और एक कटोरी लिया उसके लिए जो सनलेक्स में इसको खिला पाऊँ। और मेरे घर पे चम्मच सब बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं था, तो ये एक चम्मच लिया मैंने और ये कटोरी लिया। और ये उसके लिए ये एक लिया मैंने उसके लिए। अब भाई डॉग मैंने लिया है, पेट लिया है, तो मैं उसका पूरा करूँगा ना। यही है। और एक बास्केट लिया है क्योंकि अब इसको ना बहुत ज़िद्दी हो गया है मेरा, कसम से बहुत ज़िद्दी, और यो इतना ज़िद्दी है ना क्या ही बोलूँ मैं। और ये कभी बुखार वगैरह हो जाए तो मुँह में ये गर्म पानी में थोड़ा हल्का गर्म पानी में बॉईल करके ये दो बोला। ठीक है, तो ये है इसकी दवाई, ये है। ओके, और मैंने एक बास्केट ली है, वही बास्केट के सपोर्ट से मैं ये वीडियो बना रही थी। एक सेकंड मैं बास्केट भी दिखा दूँ आप लोगों को। ये बास्केट ली है मैंने इसके लिए क्योंकि अब मैं कहीं पे भी जाऊँ तो इसके अंदर लेके जाऊँगी, क्योंकि उसको ही दिक्कत ना हो हाथ में ज़्यादा ले लेके ना, तो इसमें रहेगा तो वो आराम से सो भी पाएगा, आराम से बैठेगा। मैं इसके अंदर कुछ बिछा के उसको ले जाया करूँगी। इसमें ये वाला बास्केट अभी पंजाब बस्ती से लिया है ये तो मैंने ना, इतना प्यारा है, यही कलर था उनके पास में, ये लिया है मैंने। ओके नाउ डन इट दिस। और इंजेक्शन के लिए मेरे को गया 800 रुपये। अभी यहाँ पे पूछा खेबर पास वाले में, उन्होंने बोला 850। मैं देखती हूँ, मगर अभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इन्होंने ये वाला इंजेक्शन जो लगाया है ना, ये उनके पास नहीं है, उनके पास दूसरा है बोला, ये वो नहीं लगवाते, दूसरा लगाते हैं बोला। मैंने उनको पूछा नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आ सकती हूँ, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं आ सकते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बोला, वो मासी के साथ खेल रहा है वो। सो यही है आज का मेरा व्लॉग। और भाई आज 2 बंदे हैं जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे एक स्ट्रीट डॉग को लेके, जो कि वो डेली फीड करता है, मतलब डेली उनको खाना वगैरह देता है, जहाँ पे 7 बच्चे हुए हैं बोला उनकी गली के तरफ पे, तो 6 बच्चे को आज वो खाना देने गया तो 6 बच्चा मिला, एक नहीं मिला। तो किसी आंटी ने उनको बताया, बोला कि आगे कहीं है वो, तो वो देखने गया तो उसके पूरा मुंह से खून था, खून था, और पूरा मुंह जबड़ा पूरा फटा हुआ था। किसी अर्ली मॉर्निंग में हुआ है बोला, बाइक चलाने वाला ने ना वो जब सोया ना उसके मुंह पे बाइक चला के गया है भाई। ये सुन के ना मेरे को तो पहले ही देख के ही डर लग गया था, मैंने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने बताया ये सब ना, तो भाई बाइक चलाने वाला ना बहुत संभाल के करे ऐसा यार, स्ट्रीट डॉग के साथ ऐसा ना करे, ये बहुत बुरा है। देखो मैं डॉग लवर बोलो ना बोलो वो कोई फ़र्क नहीं है मुझे, मैं डॉग बहुत ही लवर वाला पर्सन, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे सब जानवर पसंद है, बट इतना है कि भाई मैं पालने के लिए बहुत मुश्किल है। और ये ओरियो मैं बहुत पसंद किया, ओरियो को, एंजल को भी, एंजल को छेत्री की पसंद से लिया था, मगर जब अपने घर में आ जाता है तो प्यार अपना अटैचमेंट होके प्यार हो जाता है, ये वाला है। और ओरियो को तो मैंने खुद पसंद किया था, मुझे बहुत पसंद आया था, ओरियो का चेहरा ही मुझे अपनी तरफ खींचा था,
तो मैंने ओरियो को ख़रीदा था, और ओरियो को ख़रीदने से पहले मैंने विजय को बोला था भाई देख हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये ओरियो भी मुझे पसंद है, मैं तेरे भरोसे से ख़रीद रही हूँ, क्योंकि वो नहीं हो तो मैं अकेला नहीं संभाल पाऊँगा ओरियो को, ये मेरा है, क्योंकि मैं बहुत ही डॉग पर्सन हूँ, ये अपने आप को नहीं जताऊँगा, क्योंकि मैं कभी अब मैं स्ट्रीट डॉग को विजय खाना खिलाता है, स्ट्रीट डॉग विजय को बहुत लगते हैं, बट उसमें मेरा हाथ है, मैं मुझे डर लगता है, मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। मैं भी दो तीन मेरे फ्रेंड्स भी देखते हैं, मेरी फैमिली भी देखती होगी मेरा व्लॉग्स, उनको पता है कि मैं डॉग से बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत, मेरी मासी भी जानती है, जब भी मैं एमटी जाती हूँ ना डॉग से बहुत दूर होके जाती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, इसलिए पहले मैंने लेब्रा पाला हुआ है तो लेब्रा के बारे में मेरे को पता है, इसलिए मुझे ज़्यादा लेब्रा से अटैचमेंट थी, एंजल से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट थी। अब देखते हैं ओरियो से तो बहुत ही है, बहुत ही प्यार है, बहुत ही लगाव है, बंदा अवश्य बात माने मेरी। सो आज का ब्लॉग यही है गाइस, ये सब बहुत एक्सपेंसिव था मेरे लिए, और मैंने मेरी फ्रेंड से हेल्प मांगी वहाँ पे, मेरे को नहीं पता था, मेरे पास पैसे कम थे, मैं वो हिसाब से गई थी, बट ये इंजेक्शन तो हो गया था एक का ना, तो अभी ये सब सामान के लिए मुझे कम पड़ गया था, तो वो दीदी ने मेरी फ्रेंड है उनसे मैंने हेल्प मांगी, तो उन्होंने मुझे भेज दिया, मुझे बाद में रिटर्न भी करना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक उधार के हिसाब से लिया है थोड़ा बहुत, सिर्फ ये ओरियो के लिए सामान के लिए, अपने खर्चे के लिए नहीं, ओके यही है। सो गाइस आज का व्लॉग मेरा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और प्लीज़ स्ट्रीट डॉग के साथ ऐसा गलत बर्ताव मत करिए। और मैं देखा इतने सारे कैट्स डॉग्स वहाँ पे आए ना, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है, इतना बीमार डॉग को मैंने पहली बार देखा है, और बिल्ली भी इतनी प्यारी प्यारी कैट आई थी वहाँ पे, जो कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे कलर के कैट्स देखे भी नहीं थे, बट आई एम नॉट अ कैट पर्सन, मैं कैट पर्सन तो हुई नहीं, मुझे बिल्लियाँ नहीं पसंद है, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, उनकी आँखों से, खास करके काली बिल्ली से बहुत डर लगता है मुझे, बिल्ली नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी भी बिल्ली नहीं पाल पाऊँगी, कुत्ता आप कोई भी दे दो मैं पाल लूँ, मैं बिल्ली नहीं। ओके गाइस देन बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड।